हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार LRC का लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं। आप लोग ये थंबनेल देखते ही आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो भाई मेरे इस वीडियो को देखें। जन जागरूकता श्रृंखला 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, इसको इग्नोर ना करें। यहाँ पर देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण के प्रमुख चरण क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ लैपटॉप से लैस अमीन करेंगे जमीन की नापी, इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊं, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। रही बात लेटेस्ट अपडेट की, तो यहां पर देख सकते हैं 60,000 रुपया दो ग्रामीण डाक सेवक बनो। बाप रे बाप, ये क्या हो गई। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि अब क्या बात हुई। 60,000 रुपया दीजिए और ग्रामीण डाक सेवक में बहाली लीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पूरे मामला को। और यहाँ पर जो है मैट्रिक का जो है प्रैक्टिस सेट, सॉरी चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन मैं लेकर के आता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखा करें। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 7:30 बजे इवनिंग में प्रोवाइड किया जाता है, तो जरूर देखा करें इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर NTPC, जी हाँ, रेलवे NTPC भर्ती को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है, CBT 1 को लेकर के। ये नोटिस कहाँ तक फेक है और कहाँ तक रियल है उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया, तो जरूर देख लीजिएगा। और LRC विभाग से एक अपडेट है, ASO की काउंसलिंग के बाद उनकी बहाली का रास्ता जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जन जागरूकता श्रृंखला 2 के बारे में, देन उसके बाद एक छोटा सा जो पेपर कटिंग मैंने बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण जन जागरूकता श्रृंखला 2 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख चरण क्या है। तो इनके प्रमुख चरण क्या क्या है, तो देखिए किस्त बार पूर्व कार्य इसके अंतर्गत प्रपत्र 1 से 5 तक तैयार कर उससे संबंधित कार्रवाई की जाती है। दूसरा, किस्त बार क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल दिया है जन जागरूकता श्रृंखला 5 या 6 होगा, उसमें जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा। ये प्रक्रिया मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी होती है। मानचित्र, यहाँ पर भी देखिए बता दिया गया किस्त बार जो होता है वो क्या होता है कि मानचित्र निर्माण और इससे संबंधित कार्य से जुड़ी होती है, ये भी एक चरण है। दूसरा, खानापूरी क्या होता है कि मानचित्र के खेसरे के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन होता है। उसके बाद सुनवाई जो होता है किस्त बार एवं खानापूरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों को आपत्ति दावों की सुनवाई एवं उनका निष्पादन होता है। नेक्स्ट है अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण। किस्त बार खानापूरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती होती है। नेक्स्ट, अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई, अंतिम अधिकार ये जो होती है इसकी सुनवाई जो होती है अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निष्पादन एवं खतियान एवं या अंतिम अधिकार अभिलेख तथा मानचित्र का अंतिम रूप से प्रकाशन एवं विभिन्न स्तरों पर उनका संधारण होता है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताया गया है, जो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण को लेकर के, जो जन जागरूकता श्रृंखला 2 के रूप में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अमीन के बारे में जो एक अपडेट है, यहाँ पर लैपटॉप से लैस अमीन करेंगे जमीन की नापी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे समझ में आए। राज्य में जमीन की पैमाइश अब आधुनिक तरीके से हो सकेगी। चुने जाने वाले नए अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जमीन की मापी से बंदोबस्ती तक से लैपटॉप की मदद लेंगे। पहले तो आप लोग जानते हैं कि करी के द्वारा जो है जमीन की मापी की जाती थी, अभी भी हो रही है, बट एक ऐसा होने वाला है डिजिटल इंडिया में, डिजिटल कह सकते हैं काम होने वाला है। तो पैमाइश के बाद वास्तविक डाटा लैपटॉप में फीड करेंगे, जो है पैमाइश जो होगा उसको जो है वास्तविक डाटा को वहां पर क्या करेंगे, फीड करेंगे। वे अंचल कार्यालयों से लेकर मुख्यालय तक अपने अत्याधुनिक मोबाइल लैपटॉप से जुड़े रहेंगे, इससे जमीन की पैमाइश में गड़बड़ी करना आसान बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने जमीन की नापी और बंदोबस्ती में आने वाली शिकायतों को रोकने के लिए यह व्यवस्था की है। दरअसल राज्य में 550 अमीनों और 275 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की बहाली हो रही है। बहाली के अंतिम काउंसलिंग भी पूरी हो गई है।
सिर्फ विशेष सर्वेक्षण बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4950 पदों पर बहाली में अभी थोड़ा विलंब है। चयनित होने वाले सारे अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी लैपटॉप इंटरनेट आदि नई सुविधाओं से लैस होंगे, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर अमीन की बहाली में जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन की बहाली में थोड़ा सा लेट होगा। तो पहले ऐसा लग रहा है हमें कि ASO असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की जो है बहाली बहुत ही जल्द हो जाएगी, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा विलम्ब होगा, तो आई थिंक कि नए साल में मार्च अप्रैल तक में अगर प्रोसेस में रहा तो इसकी भी बहाली हो ही जानी चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके अब बताइए आप हमें। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालू ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।